नमस्कार दोस्तों, आपके इस यूट्यूब ऐप पे जो घंटा बना, अगर आप इसको दबा दोगे तो मेरे कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। ओके, तो अब एंजॉय करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेन न्यूज़। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़िंदगी भर अकेला ही रहा। शिलजी नाम के शख्स का नाम जितना बोलने में कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन इस इंसान की ज़िंदगी थी। शिलजी को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वह अपनी जवानी की उम्र में भी 3 साल के बच्चे की तरह ही सोच पाता था। वह केवल छोटे छोटे वैकेंसियों में बात कर पाता था। एक लड़की की पोशाक पहनकर वह पूरी दुनिया लोगों के मनोरंजन के लिए नाटक किया करता था। शिलजी माइक्रोसेफेली नाम की एक बीमारी से ग्रसित था। इस बीमारी में मस्तिष्क, दिमाग और शरीर के अंग आड़े टेढ़े हो जाते हैं। उनका सर देख के आपको यही लगता होगा, महज 4 फीट और कुछ इंच उनकी हाइट थी। बहुत छोटे थे वो। इस बीमारी में इंसान की सीखने की क्षमता, सुनने और बोलने की क्षमता नाम मात्र की हो जाती है। कुछ जानकारों का कहना है कि शिलजी का जन्म 1901 में हुआ था। शिलजी इस हालत की वजह से उसे कोई पालना नहीं चाहता था, इसी वजह से उसके घर वालों ने उसको निकाल दिया था। फिर एक सर्कस में उसे द मंकी गर्ल का किरदार निभाने का मौका मिला। लोगों को उसके शोज तो पसंद आते थे, लेकिन कभी उसे किसी ने अपनाया नहीं। सर्कस के शोज की सफलता के बाद उसे एक फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। शिलजी की इस फिल्म के बाद उसे बंदरों के ट्रेनर ने गोद ले लिया, जिनका नाम था सुरतीस। सुरतीस नाम के इस ट्रेनर ने शिलजी को बहुत प्यार दिया, क्योंकि वो उसे आम बच्चों की तरह ही रखता था। शिलजी भी उन्हें बहुत प्यार करता था, जानवरों के साथ खेलता था। लेकिन एक दिन सुरतीस की मौत हो गई और सुरतीस की बेटी ने उसको उसकी मौत के बाद शिलजी को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। शिलजी वहाँ 3 साल रहा और धीरे धीरे उसकी हालत और बिगड़ने लगी। शिलजी सर्कस की ज़िंदगी को याद कर उदास रहने लगा। उसकी बिगड़ती हालत को देख हॉस्पिटल ने उसे फिर से काम करने की इजाज़त दे दी और वो शोज करने लगा। कुछ दिनों सर्कस में काम करने के बाद शिलजी रिटायर हो गए, लेकिन वह हमेशा ही अपनी ज़िंदगी में दुखी रहा, उदास रहा। उसे कोई कहने वाला नहीं था, कोई प्यार जताने वाला नहीं था, कोई परिवार नहीं था। ज़िंदगी भर शिलजी ने लोगों को तो हंसाया, लेकिन उनको किसी ने नहीं हंसा पाया। लोगों को हंसाने वाला शिलजी अब हताश हो चुका था। 70 की उम्र में आखिरकार शिलजी दुनिया को अलविदा कह के चले गए। जब उसे दफनाया गया तो उसकी कब्र पर उसका नाम तक नहीं लिखा गया था। 2007 में शिलजी के एक प्रशंसक ने उसकी कब्र पर उसका नाम लिखवाया, जिसके बाद वे फिर से खबरों में आ गए। और आप जानते हैं, कब्र पे उनके नाम के साथ उनके ट्रेनर का भी नाम लिखाया गया जिन्होंने उनको गोद लिया था, यानी शिलजी सुरतीस। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।